जासूसी जुगाड़ निकालते हैं। इसमें तो वही टेक्नोलॉजी है जो सीबीआई यूज करती है। लेकिन तुझे ये मिला कहाँ से? नाकडॉग बोगो के साथ फ्री मिला। अच्छा अच्छा। ओ तेरी, ये कैसी आवाज है? लगता है कुछ गड़बड़ है। माँ को बताते हैं। हाँ ठीक है। माँ जल्दी से बाहर आओ। हाँ आई आई, क्या हुआ? किसे चोट लग गई? क्या हुआ? मॉम अंदर से बहुत भयानक आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगली जानवर को टॉर्चर कर रहे हैं। तुम दोनों अपना ये जासूसी जुगाड़ मेरे हवाले करो। दो यहाँ पर। ये क्या शोर मचा है? आज मेरी परफॉर्मेंस है, मैं अंदर रिहर्सल कर रहा हूँ। और आप मुझे क्या घूर रहे हैं? स्कर्ट तो आपने पहनी हुई है ना? चलो अंदर। प्रिंसेस की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी मालकिन? नहीं, मेरे डैड ने ना मुझे स्पेन बुलाया, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला कि मैं अपनी प्रिंसेस को अपने साथ नहीं लेके जा सकती। क्यों? उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। वहाँ पर डॉगीज को ना क्वारंटीन में जाना पड़ता है। वो एक तरह का जेल है जहाँ पे चेक किया जाता है कि डॉगीज को कोई बीमारी तो नहीं है। ये प्रिंसेस जेल में कभी भी नहीं। विनी, जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तुम मेरी प्रिंसेस का ख्याल रखोगी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ठीक है। ये प्रिंसेस। ओके, ये रहा प्रिंसेस का सारा स्केड्यूल। ब्रेकफास्ट एक फाइव स्टार रेस्टोरेंट ला फ्रू फ्रू में? क्योंकि प्रिंसेस को वहीं के शेफ के हाथ का ऑमलेट पसंद है। और हाँ, अगर प्रिंसेस मुझे मिस करे ना उसके इस फोन से मुझे कॉल कर देना। मेरा नंबर स्पीड डायल पर फीड भी है। इसके पास अपना फोन भी है? ऑफ कोर्स। प्रिंसेस, अब मम्मी को जाना पड़ेगा। बाय। कुछ 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 कुछ। अब तुम जानती हो ना कि तुम डॉगी हो। लेकिन वो नहीं किड्स, हम ऐसे छुप छुप कर किसी की बातें नहीं सुन सकते हैं। पूरी बात, इट्स बैड मैनर्स, और मुझे लगता है शायद गैर कानूनी भी है। पता है हम जेल जा सकते हैं। तुम दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो? प्रीति जी। ओ मानसिंह जी, कॉन्फ्रेंस रूम में स्टाफ मीटिंग है। अगर आपको अपने हिंदुस्तान के सबसे महान बच्चों से फुर्सत मिल गई होगी तो प्लीज चली जाएंगे। ऑफ कोर्स। लेकिन सर, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या होटल में? कुछ टॉप सीक्रेट है, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए किसी को। मानसिंह जी, किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, लेकिन हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। शाबाश, तो फिर ऐसा करो, तुम दोनों होटल के बाहर जाकर होटल की रखवाली करो। यस सर। तुझे ऐसा नहीं लगता मानसिंह हमसे पीछा छुड़वाना चाहता है? नहीं नहीं, उन्हें सचमुच होटल की रखवाली करने के लिए 2-10 साल के बच्चे चाहिए। कद्दू कहीं का। हर कुछ तो चल रहा है उस कॉन्फ्रेंस रूम में जो हमें पता लगाना होगा। लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे? ओए तेरी, इस समोसे से बाइट किसने मारा? मन्नू मेरे भाई, ये स्नैक्स स्टाफ मीटिंग के लिए। तो मैं भी तो स्टाफ हूँ। वो तो मैं भी हूँ, लेकिन तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। तू होने की कोशिश कर यार, क्योंकि ये जो समोसा है ना बहुत ही लाजवाब है। वैसे तू सच कर, हम भी तो स्टाफ ही है। अब आए ना लाइन पे, ये ले एक समोसा खा के देख। हाँ।
जल्दी सेटल हो जाइए। ओके, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और टॉप सीक्रेट भी। वैसे आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि क्या ये हीरों की चोरी के बारे में बात है। ओके, आप ये जानती हैं, लेकिन आप ये नहीं जानती होंगी कि पुलिस को अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। ओके, आप ये भी जानती हैं, तो फिर ऐसा कीजिए ना, आप आकर ये मीटिंग लीजिए। ओ नो नो नो, उसके लिए तो मुझे आके खड़ा होना पड़ेगा। कैरी ऑन। ओके, देखिए पुलिस का मानना है कि वो चोर अब भी इस होटल में है। अगर मेरे पास जासूसी जुगाड़ होता ना, तो हम उस चोरों को पकड़ लेते। कुछ भी पता चले या किसी पर भी शक हो तो मुझे फौरन इत्तला कीजिए। सर जी, ये काट श, कर रहा है। जंग बहादुर अभी नहीं। ओए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों छुप छुप कर बातें सुन रहे हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा करने से मना किया है। किसी को बताना मत। ठीक है ठीक है, मेरे मुंह पे ताला लग गया है। जंग बहादुर, तुम किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं सर जी, यहाँ पे मेरे और इस फूड कार्ट के सिवाय कोई भी नहीं है, और बस ये थोड़े से सूखे हुए ब्रेड और ये थोड़ा सा खाया हुआ समोसा। आप लोगों ने सुन लिया जो मैंने कहा? ध्यान रखिए, अपने अपने काम पे जाइए। अरे अपने अपने काम पर चले, मेरा तो ब्रेक टाइम था ना है, तो इसलिए मैं तो अपने ब्रेक टाइम पर ही वापस जा सकती हूँ। और नहीं नहीं, पर अगर ये मीटिंग ब्रेक टाइम का हिस्सा थी फिर तो मुझे यूनियन को फोन करना पड़ेगा। अभी जाती हूँ फोन करने। आप लोग बाहर आ सकते हैं। मैडम, आपको किसी पे शक है? वो बेल बॉय जो खाने से बातें कर रहा था, वही लास्ट मेरे कमरे में आया था और उसके बाद मेरे हीरे गायब हो गए। मैम देखिए, जंग बहादुर बहुत ही भरोसेमंद इंसान है, कहीं आपको उस मोटी बूढ़ी औरत पर शक नहीं? नहीं नहीं, वही था। अच्छा चलिए। ओह नो, उन्हें जंग बहादुर पर शक है। वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, जंग बहादुर दुनिया का सबसे बेस्ट बंदा है। मेरे भाई, जंग बहादुर ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, अब हमारी बारी है, हमें जंग बहादुर का ख्याल रखना होगा। तो फिर हमें असली चोर का पता लगाना होगा। मॉम ने हमारा जासूसी इक्विपमेंट छुपा दिया है, अब हमें नया लेना होगा। चल जाकर लेते हैं। वो देख, मुझे चोर वही लगता है। हाँ, लेकिन उस लड़की को तो देख, शक्ल से ही चोर दिख रही है, मेकअप भी चोरों की तरह लगा रही है। ए, इसे घूर मत, अपना जासूसी गियर यूज करते है। ओए, तूने अपने नाक के लिए छेद क्यों बनाया है? नाक के लिए नहीं, मुंह के लिए, ताकि मैं चॉकलेट खा सकूं। वाम वाम। ओ, हाय करण, हाय कबीर। ले, अब सबको पता चल गया कि हम ये हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? प्रिंसेस ने मुझे बताया। एनीवे, मुझे चलना चाहिए, पता है प्रिंसेस के पास आईपीएल मैच की टिकट्स है। चल अपना काम शुरू करते। ये देख, मैंने सीबीआई की साइट से एक फोटो प्रिंट की है, ये बड़ा ही माना हुआ हीरो का चोर है। ओ नो, इस आदमी की शक्ल बिल्कुल इस पिक्चर से मिलती है। ये देख, जिसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, कितनी धुंधली सी फोटो है। इस एंगल से देखे तो ये तो मॉम की फोटो है, सुबह सुबह बिना मेकअप किए हुए। क्या करे यार, वो प्रिंटर खराब हो गया था, अब यही हमारा इकलौता क्लू है, इसका पीछा करते हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अच्छी खबर, हीरा मुझे मिल गया है इसी होटल में, रूबी के पास है। यही है चोर। तुझे कैसे पता? अबे कद्दू, इसकी बातें तो सुन। इससे पहले कि देर हो जाए मैं उन तक पहुँचता हूँ, और पैसे की बात बाद में करूँगा। चलो उसे पकड़ते हैं। लेकिन कैसे? ये खतरनाक हो सकता है यार, और वैसे भी हम सिर्फ 10 साल के हैं, और पिछली बार तो तू एक लड़की से पिट गया था। हाँ, वो तो बस इसलिए क्योंकि मैं आलू पराठे खाकर सुस्त हो गया था। चल जंग बहादुर से मदद ले। जंग बहादुर,
हाँ? हमारे पास एक खुशखबरी है और एक बुरी खबर। बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि पुलिस को लगता है कि तुम हीरो के चोर हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, बस वो एक बार, जाने दो। और अच्छी खबर ये है कि हम दोनों जानते हैं कि तुम बेकसूर हो। थैंक यू। लेकिन जंगबहादुर, हमें असली चोर का पता लगा लिया है, ये देखो। ये तो तुम्हारी मम्मी की फोटो है। नहीं, यही तो असली चोर है। हमने इसे हीरो और रूबीज के बारे में बात करते हुए सुना था। इस चोर को मैं पकड़ कर रहूंगा और ये साबित करके रखूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी कोई भी संजू जिग्मेत सिंह है वांचुक नामग्याल जंग बहादुर को कभी चोर नहीं कह सकता, क्योंकि इतना कहने में एक और चोरी हो गई होगी। अब चलो। अरे ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। हेलो। चुरा रहा है, चलो पकड़ते हैं उसे। चोर कहीं क्या? पकड़ा गया ना? लेकिन किस लिए? उस आंटी का कोट चुराने के लिए। लेकिन ये कोट तो मेरा ही है। हमने आपको हीरो के बारे में बात करते हुए सुना था, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वो रहा हीरा, हीरा चंद शर्मा। मर गए। ये तुम क्या कर रहे हो? सर जी, अपने हाथों से इसका गला दबा रहा हूँ, जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने तो कहा था कि साथ में कोई रूबी भी है और इन्हें उस तक बहुत जल्दी पहुँचना है। हाँ, हो रही उनके साथ रूबी बंद सर। हीरा जी, रूबी जी, आप लोगों को राजमहल होटल की तरफ से 50% का डिस्काउंट। आया सर। सॉरी सर। सर जी, आप मेरी छोटी सी प्यारी सी गलती को माफ कर देंगे ना? सर जी, मैं बहुत डर गया था, पुलिस को मुझ पर शक था। तुमसे ये किसने कहा? करण और कबीर। और तुम्हें क्यों लगा कि ये आदमी चोर है? करण और कबीर। और आज से तुम किसकी बात नहीं मानोगे? करण और कबीर। आज तुम दोनों ने हद कर दी। क्या तुम्हें पता है मिस्टर हीरा और मिसेज रूबी इस होटल के कितने इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं? आज तो मुझे तुम्हारी मम्मी होने की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मॉम, हमने उनसे माफी मांगी और सॉरी भी बोला। हाँ, और इसलिए तो उन्होंने हमें माफ भी कर दिया और देखो इतना सारा खाने को भी दिया। लेकिन मुझे पूरा चिकन नहीं लेना चाहिए था। ओ, तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है? फिक्र मत करो, जब मैं तुम्हें तुम्हारी सजा दूंगी ना तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी। ओ, यानी कि हम फिर से कमरे में नजर बंद? हाँ, फिर से कमरे में नजर बंद, वो भी एक 5-स्टार होटल की स्वीट में जहाँ टीवी है, वीडियो गेम्स हैं, रूम सर्विस है। बच्चों, उसे सजा नहीं मजा कहते हैं। देखो, सैटरडे को होटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है और क्योंकि मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, मुझे सिंगर के लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज करनी है और वो ड्रेस चूज करने में अब तुम दोनों मेरी मदद करोगे। मतलब वो पूरा दिन कपड़े ट्राई कर कर हमें बताएगी? हाँ बिल्कुल। और साथ में हजारों लाखों जूते भी। बॉयज, मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा रंग ज्यादा अच्छा है, ग्रीन या फिर टील? वो लंबा वाला ग्रीन। ये टील है। ये टॉर्चर है। लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, कितनी मजेदार सजा है। मैं चेंज करवा के लाती हूँ।
यार ये टेबल क्लॉथ मेरे से नहीं संभलते, अगली बार वेस्ट बदलना हो ना तो मैं वेटर नहीं बनूंगा, सब ऑर्डर ही देते रहते हैं। अच्छा, तो और क्या बनेगा? मुझे लगता है मुझे मैनेजर होना चाहिए या फिर कुछ नहीं तो सिंगर। तुझे होटल के मैनेजर कौन बनाएगा? तू वही कर जो तू कर सकता है, चोरी। और वैसे मैंने तेरा गाना सुना है, तू हीरे ज्यादा अच्छे चुराता है। सुना तूने? हाँ, हीरो के चोर हमारी मॉम की नौकरी चोरी करना चाहते हैं। कद्दू, इसका मतलब हमारी जासूसी फिर से शुरू। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो अंदर चेंज कर रही है। माँ, वो दो बंदे दिख रहे हैं। कौन से बंदे? माँ, वही हीरो के असली चोर। हाँ? अब ये देख। अरे नहीं नहीं नहीं, तड़ा! देखा? हाँ, देखिए उनकी हाथ की सफाई, इंटरनेशनल चोर लग रहे हैं। मॉम, लेकिन हमने उनकी बातें सुनी, पर हम जानबूझ के उनकी बातें सुनने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बस बहुत हो गया हाँ बॉयज, पहले ये हीरा रूबी की कहानी सुना रहे थे, अभी नई कहानी शुरू कर दी है। चुपचाप जाकर बाहर बैठो, वरना ये जूते दिख रहे हैं ना, कहाँ देखना चाहोगे, उसके पैर में या फिर मेरे हाथ में? यार करण, अगर वो चोर ने हीरे नहीं जूते और कपड़े चुराए होते ना तो मैं उनको थैंक्स बोलता। हो रहे वो दोनों, अब क्या करें? जंग बहादुर को बताते हैं, चलो। जंग बहादुर, हमने असली चोर का पता लगा लिया है फिर से, और हम तुम्हारे लंबे से नाम पे से चोर का धब्बा हटाना चाहते हैं। सॉरी, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, अब मुझे इस सब से मुंह मोड़ना होगा, और वो इसलिए क्योंकि मैं उस तरफ जा रहा। पर कोई अपनी बात क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उन्हें लगता है हम बच्चे। एनीवेज, मुझे पता है हमें ये कैसे करना है, तू बस मेरे पीछे आ। अरे यार, मेरा वॉलेट खो गया है। एक्सक्यूज मी, आपने देखा नहीं तो? दत्त तेरी की, अभी हमें रानी ओबेरॉय से ही पैसे मांगने पड़ेंगे। वो कितनी अमीर है और वो हमारी कितनी अच्छी फ्रेंड है, पूरे होटल के मालिक है यार। तू वही रानी की बात कर रहा है जो 2501 में रहती है? हाँ, अफसोस वो शहर के बाहर गई है। यानी कि 2501 खाली है, जिसमें बहुत सारे पैसे, गहने, हीरे, मोती और कई महंगी चीजें रखी हुई है, जो कि सिर्फ एक स्वीट में है, स्वीट 2501, जो पूरा खाली है। हाँ, वो पूरा खाली है, सिवाय उस डॉग सीटर के, जो रोज शाम 7 बजे से 8 बजे तक डबी को घुमाने ले जाती है। एनीवेज, थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू, आपने तो हमारी लाइफ सेट कर। लगता है कि शिकार हाथ में आने ही वाला है। अभी तो ठीक से बात कर, बहुत मुश्किल है, लगता है आदत पड़ गई। प्रिंसेस, ब्लू तुझ पे बहुत अच्छा लगता है, टोटली योर कलर। प्रिंसेस, ये कौन है? बॉयफ्रेंड? नाइस। मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, क्लियरली मुझे दो पैर वाले फ्रेंड्स बनाने की जरूरत है। प्रिंसेस इज फोन। हे, मैं बोल रही हूँ, चलो मेरी प्रिंसेस से बात कराओ। मम्मी का फोन है प्रिंसेस। ये क्या हो रहा है? प्रिंसेस, मम्मी तुम्हारी वेट कर रही है। अगर तुम बात नहीं करोगी तो कितना बुरा लगेगा। प्रिंसेस मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? विनी, तुमने उसके साथ क्या किया? कुछ नहीं, वो मुझे बहुत पसंद करती है रानी, तुझसे ज्यादा नहीं है ना प्रिंसेस? वुफ, वुफ। देखा तुमने? आई मीन, सुना तुमने? ये मेरी प्रिंसेस की आवाज नहीं है। विनी, क्या उसका गला खराब हो गया है? नहीं तो, वो बस तुम्हें बहुत मिस कर रही है रानी। अच्छा, अब हम मूवी के लिए बहुत लेट हो जाएंगे। ओके बाय। रानी, प्रिंसेस, तुमने रानी का दिल तोड़ दिया, और इसलिए मैं तुम्हें और भी पसंद करती हूँ। हाय फाइव। देख प्रिंसेस, मम्मी तुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हुआ, तो अब हम उसके पैसे खर्च करेंगे। मैं अभी टैक्सी बुलाती हूँ।
क्या आइडिया है? एक मिनट, तुम्हारे पास मास्टर की तो है ना? नहीं, मैं खुलजा सिम सिम बोलने वाला था, कद्दू कहीं का। मैं ये सारी फेक ज्वेलरी कैमरा के एकदम सामने रख रहा हूँ। तुझे जो करना है कर ले मेरे भाई। ये तू क्या कर रहा है? मैं अपने जाल के ऊपर सूखी पत्तियां बिछा रहा हूँ, जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा इसके नीचे एक जाल बिछाया गया है। ये ट्रिक सिर्फ जंगलों में काम आ सकती है। तूने ये नहीं सोचा कि इतनी सारी पत्तियां फाइव स्टार होटल के स्वीट में क्या कर रही है? बात तो सही है, मैं खिड़की खोल देता हूँ, सब लोग सोचेंगे ये सारी पत्तियां हवा से उड़कर आई है। सब बुद्धू है ना। वैसे भी मैं ये सबको रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ। अब ला जल्दी से टेप दे। ओ नो, ये तो मेरी पहली बार साइकिल चलाने वाली रिकॉर्डिंग है, मैं इस पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तू कोई दूसरी ही टेप ला, जा। मैं तेरी पॉटी ट्रेनिंग वाली टेप लाऊं? गुड आइडिया, जा जल्दी से वो टेप लेके आ। ओ नो, वो तो पहले से ही आ गए। ये टेप से काम चला ले अभी। अब चुप जा। सॉरी प्रिंसेस, ये फिल्म इतनी बकवास थी, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि फिल्म बिल्लियों के बारे में थी। अरे ये सब क्या है? रुको रुको, इन पत्तों के नीचे जाल है, हमने हीरो के चोरों को पकड़ने के लिए बिछाई थी। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? पागल पागल तो तुम हो गए हो, डॉगी के साथ बात करती हो। वैसे ये डॉगी भी मानती है कि तुम लोग पागल हो गए हो। नहीं, हम लोग ने चोरों को बात करते हुए सुना था हीरो के बारे में। लगता है वो लोग आ गए, चलो जल्दी से चुप जाते हैं। बधाई हो, तुमने रानी की ड्रेस को रंगे हाथों पकड़ लिया। सच में कसम से हीरे के चोर आने वाले हैं। ओ नहीं, फिर से नहीं। सुनो प्यारे भोले बच्चों, मैं पहले से ही बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी और मदद नहीं चाहिए। ये कौन है? ओ नो, लगता है ये लोग आ ही गए। बचाओ जंग बहादुर लाइट्स। न चाहे हीरे मोती नच। ओए हीरे मोती, अरे वाह, मेरा जाल काम कर गया। कद्दू कहीं के जाल में फंसी तो शोभा जी ही ना, उनको तो मैं एक आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस के साथ पकड़ लेता। तुम लोग आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस मंगवा रहे हो और मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। एक बात याद रखना, ओए मेरे लिए चॉकलेट सॉस गरम करके लाना। शोभा जी, हम बस एक मिनट में आपको नीचे उतारेंगे। हाँ और जल्दी उतारो, और मेरा हेयर स्टाइल खराब होता जा रहा है विन्नी। एक मिनट शोभा जी, मुझे उतार रहे हैं कि पेड़ पर से नारियल उतार रहे हैं? अब कौन है? इस बार तो चोरी हो गया, क्योंकि होटल में कोई बचा ही नहीं। अब तो मेरा जाल भी ऊपर है, अब क्या करें? आइडिया, छुप जाते हैं। शुभा जी, अब बिल्कुल भी मत हिलना, ठीक है? अच्छा। मैं तो पंगड़ा करने की सोच रही थी। टिंग 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 टिंग। अरे ये इतने सारे पत्ते आए कहाँ से? उस खिड़की से उड़ के अंदर आ गए होंगे। बुलाता ना देखो। अरे वो देख, इतने सारे गहने। बैंकॉक में एक महीना मस्ती करेंगे। सिर्फ एक ही महीना? अगर ठीक से बजट किया ना तो पूरे 4 हफ्ते तक निकाल सकते हैं। ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। तू सही कह रहा है। I'm sorry. अरे देख, एक कैमरा भी है। कैमरा भी है वो। मेरी सॉरी वापस दे। तूने आवाज सुनी? हाँ। सोफे के पीछे कौन है? चूहा। चूहा है। अबे चुप चुपचाप बाहर निकलो वहां से।
तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो। हैंड अप। आज मोहन जिगमेत सिंह वांचुक नामग्याल और उनकी पत्नी फुनसोक डोलमा के बेटे संजू जिगमेत सिंह वांचुक नामग्याल जंग बहादुर के नाम पर से हर इल्जाम हट जाएगा। खड़ा रहो वहीं पे। जेल से बाहर निकलोगे ना तो मुझे एक छोटा सा फोन जरूर कर देना। जंग बहादुर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया। थैंक यू सर, मैंने भी आप पर कभी शक नहीं किया। और मेरे भोले दोस्तों थैंक यू, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बड़ी, होता है। आप लोगों को पता है इन्हें पकड़ने का 1,00,000 रुपया इनाम रखा हुआ है। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब जी, गिरी तो इन पर मैं थी ना, तभी तो ये लुच्चे पकड़े गए, इसलिए मेरा इनाम। लेकिन कैमरा तो मैंने सेट किया था, जाल मैंने बिछाई थी सब। लेकिन इस जाल की रस्सी तो प्रिंसेस ने खोली थी। तो फिर जो भी इस डॉगी का मालिक है वो तो बहुत अमीर बनने वाला है। प्रिंसेस मामा आ गई। जिंदगी कितनी अनफेयर है। प्रिंसेस, मामी को बताओ कि तुम्हें कैसा लगा जब वो तुम्हें छोड़ के चली गई। प्रिंसेस, तुम मेरा दिल दुखा रही हो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज रानी, अब प्रिंसेस की बारी है, सिर्फ प्रिंसेस ही बोलेगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी। ओके, लगता है मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। ये लो मेरा बिल, सिर्फ 1,00,000 रुपए।